यह वाकया है बीबी सकीना की शहादत का, जो कि इमाम हुसैन की सबसे छोटी बेटी थी, जिनके बारे में इमाम हुसैन कहते थे कि सकीना मेरी नमाज़े शब की दुआओं का नतीजा है। बीबी सकीना 20 रजब 56 हिजरी में इस दुनिया में आई। सकीना के माना होता है कल्बी व जहनी सुकून, पर यह बच्ची सुकून से न रह सकी। नाजो नखरों से पलने वाली, बाप के सीने पर सोने वाली, फूफियों की चहेती प्यारी सकीना 4 साल में ही यतीम हो गई। करबला का जिक्र हो और सकीना का जिक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। हमारे लाखों सलाम हो इस मासूम सी छोटी सी बच्ची पर। 10 मुहर्रम के दिन अपने से छोटे बच्चों को बीबी सकीना ये कहकर दिलासा देती रही कि अभी चचा जान पानी लाएंगे, मगर इस छोटी सी बच्ची को क्या खबर थी कि उसके चचा हज़रत अब्बास जो आज नहर के किनारे अपने बाजू कटाएंगे। असर की नमाज के बाद जब बीबी सकीना को यह खबर मिली कि उनके चचा हज़रत अब्बास शहीद हो गए, फिर आप मौत आने तक पानी न मांगा, क्योंकि बीबी सकीना को आस थी कि चचा अब्बासी पानी लाएंगे। तारीख गवाह है कि शहादत जनाब अब्बास के बाद अल अतशो हाय प्यास हाय प्यास की सदाए बीबी सकीना ने नहीं निकाली। जब 11 मुहर्रम 61 हिजरी को अहले बैत अतहार को यजीदी फौजियों ने क़ैद कर लिया और तमाम बाजारों से गुजारा गया ये कहकर कि देखो ये वही है जिन्होंने हमारे आका यजीद की मुखालिफत की, उनके साथ बगावत की, तो इस क़ैद में सबसे ज़्यादा इस मासूम को तकलीफ़ हुई। करबला से कूफा और कूफा से शाम और फिर जिंदाने शाम के क़ैद खाने में तकलीफ़ उठाती रही और क़ैद खाने में बंद रही। जब बीबी सकीना क़ैद खाने में थी तो अपने बाबा को बहुत याद कर रही थी और बहुत रो रही थी, तो इमाम हुसैन की तमाम बीबियाँ और बहनें सब रोने लगी। जब रोने की आवाज़ यजीद को पहुंची, तो यजीद की नींद ख़राब हो गई, तो यजीद परेशानी के आलम में पूछने लगा कि क्या मामला है, तो उसको बताया गया कि इमाम हुसैन की छोटी बच्ची अपने बाबा को याद करके रो रही है। यजीद मलून ने अपने हवारियों से पूछा कि इसको किस तरह खामोश किया जाए। यजीद को बताया गया कि अगर सरे हुसैन जिंदान में भिजवा दे तो हो सकता है कि ये बच्ची खामोश हो जाए। फिर ऐसा ही हुआ, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जिंदान में लाया गया। एक हशर बरपा हुआ, तमाम बीबियाँ एहतरामन खड़ी हो गई, तमाम बहनें तमाम औरतें खड़ी हो गई, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि बीमार थे आपके सरे मुबारक को अपने हाथों में लेने के लिए आगे बढ़े। और फिर जब बीबी सकीना की गोद में बाबा का सर आया, बेचैनी से लड़ज़ उठी, कभी माथा चूमती, कभी लबों को बोसा देती और रोती और शिकवे करती रहती कि बाबा हमें छोड़कर कहाँ चले गए, ना आप आए, ना चचा जान आए, ना भाई अकबर आए, ना भाई असगर आए, आप सब कहाँ हमें छोड़कर चले गए। बाबा आइए और हमें इस क़ैद खाने से ले जाइए, इस क़ैद खाने में मेरा दम घुटता है। प्यासी सकीना रोती रही, हिचकियों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई और यह सदमा बीबी सकीना नहीं सह सकी और बिलाखिर खामोशी छा गई, यानी बीबी सकीना की रूह जन्नतुल फिरदौस की तरफ रवाना हो गई और बुलंद आवाज़ में सब कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और शाम में यजीद के महल के उसी क़ैद खाने में इस मासूम बच्ची को दफन कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, क्या दर्दनाक वो मंज़र होगा जब ये छोटी सी बच्ची अपने बाबा के लिए तड़प रही थी और जब इस छोटी बच्ची के सामने उसके बाबा का कटा हुआ सर होगा, तो उसके दर्द का और तकलीफ़ का क्या आलम होगा, उस पर क्या बीती होगी, और ऐसी बीती कि ये 4 साल की बच्ची ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इसकी रूह निकल गई।